हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डागर्स एकेडमी। मैं नीरज और आज हम लोग पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास। दोस्तों, नाइन्थ क्लास की साइंस आप लोग मुझसे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, साइंस पढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर साइंस होता क्या है। दोस्तों, नाइन्थ और टेंथ अगर, या फिर मैं नाइन्थ की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो नाइन्थ की अगर हम स्टार्ट करें तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर क्यों हमने नाइन्थ को इतना हुआ बना रखा है, या फिर क्यों हम नाइन्थ को, नवी क्लास को हम लोग इतना बहुत बिल्कुल एक फोकस के साथ पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। वो क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो दोस्तों, अगर आपने अभी से ये शुरू करना है कि हमें क्या ड्रीम देखना है, हमें क्या सपना देखना है, और हमारे सपना पूरा होने के लिए हमारे नाइन्थ की पढ़ाई, हमारे टेंथ की पढ़ाई और इसके आगे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल सीरियस होके। हम लोग चीज़ें तो पढ़ते रहते हैं, पर हमें आखिर में पता ही नहीं होता है कि आखिर में जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या चीज़। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक या फिर आज का हमारा सब्जेक्ट। दोस्तों, आज के अगर हमारे सब्जेक्ट की बात करते हो तो आप लोगों को ये तो पता ही लग गया है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग विज्ञान पढ़ने वाले हैं, हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। विज्ञान की तो मैंने बात कर ली कि आखिर विज्ञान क्या है, पर क्या आपने ये सोचा है कि विज्ञान हम लोग सुनते हैं, साइंस हम सुनते हैं, पर आखिर साइंस है क्या? आपके पास में एक लैपटॉप या फिर मोबाइल रखा होगा जिससे आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, वो साइंस है। आपके पास में एक ग्लास रखा होगा जिसके अंदर पानी रखा होगा, वो भी साइंस है। आपके आस पास में कोई टेबल रखी होगी, या फिर आपके पास में पंखा चल रहा होगा, वो भी साइंस है। आपके रूम में लाइट होगी, वो भी साइंस है। तो आखिर में क्या सभी चीजों में साइंस है? तो क्या बाकी सब्जेक्ट कोई मायने नहीं रखते? नहीं, ऐसा नहीं है। साइंस क्या चीज है? आपके आसपास में, चाहे आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, आप पेड़ पौधों को देख रहे हो, वो आपकी साइंस है, ठीक है। इसके अलावा आप किसी जीव जंतु को देख रहे हो, अगर आप खुद के शरीर की बात कर रहे हो, तो वो भी क्या है दोस्तों? वो भी विज्ञान है, वो भी साइंस है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इस बारे में जानने की जरूरत है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं कि विज्ञान आखिर है क्या। विज्ञान, विज्ञान, वी और ज्ञान, शब्द विच्छेद हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो वी प्लस ज्ञान माने ब्रह्मांड का ज्ञान जो होता है वो कहलाती है साइंस। ब्रह्मांड माने इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे सराउंडिंग में जो भी चीजें आप दिखती हैं, या फिर जिन भी चीजों के बारे में आप सोचते हो, वो है हमारा विज्ञान। आप तारों के बारे में सोचते हो तो आप विज्ञान पढ़ रहे हो। अगर आप सूरज, आसमान, आप बारिश, आप धरती, आकाश, या फिर अगर हम बात करें जीव जंतु, आप, मैं, हम सभी क्या हैं, एक तरीके का साइंस का ही एक भाग है, विज्ञान का ही एक भाग है। हम लोग शुरू करेंगे हमारी नाइन्थ की क्लास को, और नाइन्थ की क्लास को पढ़ने के लिए हमको एक बहुत बेसिक क्लास लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही इन चीजों के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारा बेसिक हम लोग शुरू करते हैं। एक शब्द आपके पास निकल के आता है, द्रव्य। एक शब्द मैं आपको बोलूंगी और उस शब्द का नाम क्या है, उस शब्द को कहा जा रहा है द्रव्य। अब ये द्रव्य शब्द सुनते ही आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि ये तो पानी की बात कर रही है ना मैडम। नहीं, पर अगर दूसरी तरफ देखें तो अगर जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि द्रव्य का मतलब पानी नहीं है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। अब ये पदार्थ क्या है? जैसा कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बोला था कि आपको, आपके सामने एक पानी का ग्लास रखा हुआ है, वो पदार्थ है। आपके पास में एक मोबाइल रखा हुआ है, या फिर आपके पास में एक लैपटॉप रखा हुआ है, या कंप्यूटर रखा हुआ है, वो पदार्थ है। आपके आसपास में आपने पेन रखा होगा अपने पास में, आपने एक कॉपी रखी होगी अपने पास में, या फिर आपके पूजा घर से उड़ता हुआ वो धुआं आपको दिखाई दे रहा होगा, या फिर आपने कभी देखा होगा ना अगरबत्ती का धुआं, तो वो क्या है? वो है पदार्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसी इतनी सारी बातें क्यों कर रही हैं। दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो हमें ये नहीं समझना है कि हमको सिर्फ किताबी ज्ञान चाहिए। नहीं, हम साइंस एक ऐसी चीज है जिसको हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब सोचो, आपके पास में रखा हुआ वो पेन, वो पदार्थ है, उसको हम द्रव्य कहेंगे, इसको मैटर कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। उस पानी, वो जो लिक्विड है, उसको क्या कहेंगे फिर? मैम ने बोला अभी तो कि ये द्रव्य पदार्थ है, तो वो पानी क्या है? वो द्रव है। तो सबसे बड़ा जो अंतर, जो बड़े बड़े बच्चे या बड़े बड़े स्टूडेंट्स भी गलती कर देते हैं कि द्रव्य को द्रव समझ लेते हैं, जबकि द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। और पदार्थ क्या है? पदार्थ है ठोस, पदार्थ है द्रव, और पदार्थ है गैस। वो तीन चीजें जो आप अपने सराउंडिंग में देखते हो। अब
प्रश्न ये उठता है कि क्या इन तीन के अलावा भी कोई पदार्थ है, या इन तीन के अलावा भी कोई और ऐसी चीज है जिसको हम पदार्थ कह सकते हैं, या फिर ठोस का मतलब क्या हुआ? अगर आप ठोस बोल रहे हैं तो ठोस का मतलब क्या हुआ? अगर गैस बोल रहे हैं तो गैस का मतलब क्या हुआ? और यदि आप बोल रहे हैं जल तो जल का मतलब क्या हुआ? तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। मैं फिर कह देती हूँ, ये हमारी पहली क्लास है, इसलिए हमें साइंस से रिलेटेड या विज्ञान से जुड़ी हुई सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहला शब्द जो लिया था वो सबसे पहला शब्द था हमारा द्रव, माने की पदार्थ। पदार्थ की मैंने बोली कि तीन अवस्थाएं होती है, ये हम लोग छठी से सातवीं से आठवीं से पढ़ते आ रहे हैं, पर अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक, बहुत ही उच्च लेवल पे हम लोग इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम ये इमेज, ये चित्र का क्या मतलब है? देखो अब आपके मन में ये तो पता लग गया कि पदार्थ क्या है, पर क्या आपको ये पता लगा कि अगर सभी चीजें पदार्थ है तो कौन सी चीजें हैं वो ऐसी जो पदार्थ नहीं है? पीछे आपको एक इंद्रधनुष दिखाई दे रहा होगा, ये इंद्रधनुष पदार्थ नहीं है। आपको पानी के अंदर किसी की छाया दिखती है, या फिर आपको ने कभी कभी अपनी छाया भी पानी के अंदर देखी होगी। ये छाया जो पानी के अंदर दिख रही है वो पदार्थ नहीं है। हम किसी के बारे में सोचते हैं उसे हम पदार्थ नहीं कहेंगे। हम कुछ याद कर रहे हैं वो पदार्थ नहीं है। जबकि आप, मैं, हम सब पदार्थ में ही माने जाएंगे, पर हमारे द्वारा किए गए वो सारी चीजें वो पदार्थ रही है। तो उम्मीद कर लो आपको पदार्थ तो समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पदार्थ क्या क्या नहीं है। दूसरी बात मैं करती हूँ कि दूसरी बात भी हमने देखी है कि पदार्थ क्या क्या नहीं है, या फिर क्या क्या है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे तीन चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, और वो तीन चीजें कौन कौन सी? एक लिखा हुआ है आपके सामने सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सॉलिड का मतलब हो गया ठोस। ठीक है, अब नोटिस करो कि ये जो ठोस है वो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। क्या लिक्विड को आप कभी भी कि बिना बर्तन के रख सकते हो? नहीं रख सकते। आप द्रव को, मैंने पढ़ाया ना कि लिक्विड माने क्या है, द्रव। आप द्रव को कभी भी बिना बर्तन के नहीं रख सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ गैस की, आपने को मैंने बताया कि पूजा घर से अगरबत्ती का धुआं बिल्कुल आराम से इसी तरह से उड़ता हुआ आ रहा है, दूर दूर उसके कण हैं, आप उन्हें नहीं पकड़ सकते हो, तो वो क्या है आपका? वो है आपकी गैस। तो इस तरह के पदार्थ आपको आसपास में मिल जाएंगे। पढ़ाई जरूरी नहीं कि हम किताब लेकर बैठकर ही की जाए। आप कहीं चल रहे हैं तो आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आज की क्लास में हमने द्रव के बारे, हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा, हमने द्रव्य के बारे में पढ़ा, तो बताइए कि द्रव्य कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है। आप टहलने जा रहे हैं पार्क में, आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, वो भी क्या है? पदार्थ है। पर वो कौन सी अवस्था है पदार्थ की, है ना? वो कौन सी स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था, है ना? तो मैं बात करी वो कौन सी अवस्था है पदार्थ की, वो अवस्था है सॉलिड, वो अवस्था है ठोस अवस्था, है ना? अगर आपने किसी बहते जल को देखा है, आपने घी देखा होगा, आपने तेल देखा होगा, तो वो कौन सी अवस्था है? वो अवस्था होती है आपकी द्रव। ठीक है, और उसके अलावा मैं बोल रही हूँ गैस अवस्था। आपने परफ्यूम देखा होगा, एक एड आता था ना टीवी में कि गैस वाला परफ्यूम, तो उसमें क्या क्या मिक्स है? उसके अंदर मिक्स है गैस। तो उम्मीद करी आपको पदार्थ की तीनों अवस्थाएं तो समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीजें हैं हमारे सराउंडिंग में जिनको हम छोड़ देते हैं। ये आपकी बुक में नाइन्थ में नहीं है, पर ये मैं आपको स्पेशली पढ़ाऊंगी कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं तो आपकी बुक में मेंशन है, पर चौथी अवस्था भी होती है। और चौथी अवस्था कहाँ होती है? होती है आपके पृथ्वी पर नहीं, वो होती है आपके सूर्य में, वो होती है आपके तारों में। और वो कौन सी अवस्था होती है? इस अवस्था को कहा जाता है प्लाज्मा। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इस अवस्था को कहा जाता है प्लाज्मा। तो पदार्थ की टोटल कितनी अवस्थाएं हैं? पदार्थ की टोटल तीन अवस्थाएं हैं जो कि पृथ्वी पर है। एक है आपकी ठोस, एक है आपकी द्रव, और एक है आपकी गैस। देखो द्रव को द्रव ही बोलना है। द्रव्य क्या है? ये है, ये है द्रव्य, ये है पदार्थ। तो ये सारी चीजें थी जो हमको ध्यान रखनी है कि पदार्थ ठोस, द्रव और गैस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ नई चीज। आप ये देखो कि हम लोग अगर बात कर रहे हैं पदार्थ की, तो पदार्थ की हमको तीनों अवस्थाएं तो पता लग गई, और चौथी अवस्था जो कि प्लाज्मा पे है वो कहाँ पर है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसके बारे में एक बार हम लोग चर्चा जरूर करना चाहेंगे
कि पदार्थ की और कौन कौन सी अवस्था होती है। पदार्थ की एक बहुत ही अच्छी अवस्था है, बहुत ही नई अवस्था है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। और प्लाज्मा कहाँ पर मौजूद होता है? प्लाज्मा मौजूद होता है सूर्य में, प्लाज्मा मौजूद होता है तारों में, ठीक है। तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था हो गई। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब प्रश्न उठता है कि अगर मैम आप ठोस की बात कर रहे हैं, अब प्रश्न क्या उठता है कि मैम अगर आप ठोस की बात कर रहे हैं तो आखिर में ठोस अवस्था कैसी दिखती है, आखिर में द्रव अवस्था कैसी दिखती है, या फिर हम बात करें कि गैस अवस्था कैसी दिखती है। तो ये मेरे पीछे का डायग्राम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आने वाला है आपको, क्योंकि मैंने बोला है कि वो सारी चीजें हैं जो कि आपके लाइफ से जुड़ी हुई हैं, आपकी साइंस आपके लाइफ से जुड़ी हुई है। ये क्या है? हथौड़ा है, हैमर है। ये कैसी अवस्था दिख रही है आपको? इसके कण बिल्कुल पास पास में हैं, इसका हर एक पार्टिकल बिल्कुल पास पास में है, जिसको क्या कहा जा रहा है, जिसको ये कौन सी अवस्था को इंडिकेट कर रहा है, कौन सी अवस्था को ये प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है पदार्थ की ठोस अवस्था को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दूध यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। कॉफी आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो अगर हम दूध और कॉफी की बात करते हैं तो इसके कण, आप खुद सोचिए कि इसके कण इसके मुकाबले दूर दूर हैं, आप ही समझ सकते हो। अगर आपने इस दूध को किसी भी बर्तन में डाल दिया तो वो कभी भी, आप अगर इस दूध को किसी भी बर्तन में डाल दोगे तो वो उसके अनुसार शेप ले लेगा। जैसे कि पानी, अगर आपने किसी ग्लास के अंदर डाला है दूध को तो ग्लास जैसे आकृति में रह जाएगा। अगर आपने पानी को किसी भगोनी में डाला है तो वो उसके अकॉर्डिंग शेप में हो जाएगा, है ना, उसके अनुसार बदल जाएगा, ठीक है। तो चाहे कॉफी की बात कर लो, चाहे दूध की बात कर लो, बीच वाटर, बीच वाटर का मतलब क्या हो गया, या फिर कोई सा भी पानी की बात कर लो, है ना, वो भी बात कर लो। तो ये सब कौन सी अवस्था में आ गए? ये सब आ गए हैं आपके द्रव अवस्था में। अब एक प्रश्न उठता है, बहुत ही मजेदार प्रश्न, आप सोचेगा बहुत मजा आएगा। मोमबत्ती की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कैंडल आपको दिख रहा है, दिख रहा है आपको कैंडल? और अगर हम यहाँ पे कैंडल की बात करते हैं, मोमबत्ती की बात करते हैं, तो अब सोचिए जरा कि आपकी जो कैंडल है वो किस अवस्था में आती है? क्या वो ठोस अवस्था में आएगी, क्या वो गैस अवस्था में आएगी, या फिर आएगी वो द्रव अवस्था में? सोचिए सोचिए। तो हमारी जो मोमबत्ती है, अगर वो जल नहीं रही है, अगर उस पे तापमान नहीं है, अगर वो जल नहीं रही है, तो वो कौन सी अवस्था में होगी? ठोस अवस्था में होगी। पर अगर मोमबत्ती जलने लगती है, और मोमबत्ती जलने के बाद आपने देखा होगा कि पिघलती भी है, तो वो पिघली हुई मोमबत्ती कौन सी अवस्था में रहेगी? वो पिघली हुई मोमबत्ती रहेगी आपकी द्रव अवस्था के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे एक कप चाय है और उस चाय के ऊपर से एक धुआं उठ रहा है, जो हम सभी लोग, अगर ठीक है, अगर आप चाय नहीं पीते तो आप दूध पीते होंगे, है ना, बॉर्नविटा वाला। तो उस दूध को, इतना गर्म दूध अगर आपने कभी देखा, आप देखते हैं गर्म दूध, तो उसके ऊपर से भाप निकलती है, तो वो जो भाप है वो भी क्या है? वो गैस अवस्था है। जो भाप है वो कौन सी अवस्था में आती है? वो गैस अवस्था में आती है। इसके अलावा आपको और भी कुछ डायग्राम्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। कार्टून तो हम सभी को बहुत पसंद है, सभी ने देखे होंगे कार्टून्स तो, और कार्टून में हमने देखा होगा कि बहुत बड़ा ड्रैगन होता है और ड्रैगन के मुंह से बहुत ही तेज गति से आग निकल रही होती है, फ्लेम निकलती है, आग निकलती है। तो वो आग भी जो है वो किसका रूप है? वो है गैस का रूप। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे इन सारे डायग्राम्स को बताने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा था कि आपको ठोस, द्रव और गैस के बारे में पता चले, और मैं पूछूंगी अब आपसे इसके बारे में काफी सारे क्वेश्चंस। तो तैयार रहेंगे आप लोग क्वेश्चंस के लिए? तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए, जो वस्तु कभी भी अपना आकार नहीं बदल सकती, आप इस हथौड़े को चाहे बॉक्स में रखो, चाहे आप इसको किसी बड़े जार में रखो, चाहे आप इसको बड़े किसी बर्तन में रखो, ये जिस आकृति का है वैसा ही रहने वाला है। अच्छा, इस वॉच की बात करते हैं, अगर हम इस घड़ी की बात करते हैं, इस घड़ी को आप चाहे कहीं भी रख दो, इसका आकार कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप इस पानी, अगर आप इस दूध को कहीं भी रखोगे, या फिर आप इस पानी को कहीं भी रखोगे, या फिर मोमबत्ती को अगर आपने किसी ग्लास के अंदर पिघला दिया है, तो वो ग्लास की शेप ले लेगी, है ना। ये तो हमने प्रैक्टिकल किया है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, वो सारे एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। ये वही बात है जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में कही थी कि साइंस जरूरी नहीं कि पढ़ाई हम किताब लेके करें, जरूरी है कि पढ़ाई हम लोग किस तरीके से करें, इस तरीके से पढ़ाई करें। तो उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को समझ में सब कुछ आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी आपको इतना पता लगा कि पदार्थ क्या है और पदार्थ के अंदर के एग्जाम्पल की बात हमने यहाँ पे कर ली है। ओके, अब शुरू करते हैं हम लोग कि हमें और क्या क्या चीजें यहाँ पे देखनी है।
नेक्स्ट हम लोग और काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि मैं अगर आपसे, अभी हमने देखा कि ठोस, आपने ठोस का एग्जांपल भी आपने देख लिया, तो मैं क्या यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि ठोस के जो कण हैं वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल पास पास में होते हैं। मतलब कि ये पेन, इस पेन के अंदर आपको एक भी पार्टिकल अलग दिख पा रहा है, कहीं से भी कोई पार्टिकल जुड़ा हुआ है, ये आपकी थ्योरी में काम आएंगी चीजें, इसलिए मैं इनको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पेन है। मतलब ठोस किसको कहेंगे, ठोस उसको कहेंगे जिसके कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास में होते हैं। ठोस के कण की बात करें तो कण जो होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास में होते हैं, कण जो है बिल्कुल पास में होते हैं, ठीक है। अब क्या इनके बीच में कोई आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, इसके हर एक पार्टिकल के बीच में आपको कोई भी रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं मौजूद होता है, कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है। आप भी इसको साथ साथ में लिख सकते हैं, इसके अलावा हम और भी काफी सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि हमने बोला कि ठोस जो है उसके कण पास पास में, तो याद करो वो डायग्राम जो हथौड़ी वाला था, हथौड़ी, आपके कार्टून नेटवर्क की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हथौड़ी का मतलब हैमर से बात कर रही हूँ मैं, हैमर के को आके कणों की अगर बात करते तो उसके इसमें कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है। एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते तो हम बोलेंगे पेन जो मैम के हाथ में है, ये जो पेन है इसके बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ठोस अवस्था के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा था हथौड़े का, इसके अलावा भी हम लोग और काफी सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा पेन, जैसे कि देखा हमने हथौड़ा, जैसे कि आप देख सकते हो फोन, जैसे कि आप देख सकते हो कैमरा जो मेरे सामने है, जैसे कि मैं देख सकती हूँ आपके सामने लैपटॉप, है ना। तो ये सारी चीजें जो है क्या है, वो ठोस का एग्जाम्पल है। किसी बर्तन की अगर हम बात कर ले तो वो जो बर्तन होता है ना, किसी भी बर्तन की अगर हम बात कर लें तो वो बर्तन भी क्या होगा आपका, वो भी होगा आपकी ठोस अवस्था के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और चीज, ठोस के बारे में और भी काफी सारी चीजें पूछी जाती है कि ठोस और क्या क्या काम करता है, या फिर वो किस तरीके से जो है, किस तरीके से ठोस जो है आपका काम करता है। तो ठोस की अगर बात करें तो ठोस हमेशा आकार और स्थान, आकार कभी भी परिवर्तित नहीं करता है। आकार का मतलब आप समझ रहे हो, मैंने बार बार बोला है इस पैन को आप कहीं भी रख दो ये ऐसा ही रहेगा, पर अगर दूध को आप कहीं भी रख दोगे, जिस भी बर्तन के अनुसार रखोगे वैसा ही वो आकार ले लेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ठोस कभी भी आकार नहीं बदलते हैं, हम लिख सकते हैं इसको पॉइंट बनाकर, हम लिख सकते हैं कि ठोस जो है कभी भी आकार नहीं बदलते हैं, कभी भी आकार नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट हम और भी काफी सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम ठोस की बात कर रहे हैं तो क्या ठोस पदार्थ जो होता है जिसको हम सॉलिड भी कहते हैं, तो ठोस पदार्थ क्या कभी भी स्थान घेरता है, बिल्कुल ठोस स्थान घेरता है। स्थान घेरते का मतलब क्या हो गया, इस पैन को आप कहीं भी रख दोगे उसने उस उतनी जगह को घेर लिया है। आप एक किसी भगोनी को आप अपनी रसोई के अंदर की जिस भी जगह पर रखते हो वो आकार घेर लेती है, ठीक है, वो स्थान घेर लेती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपने जो आपके सामने लैपटॉप या फिर फोन रखा हुआ है तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी उस जगह को घेर रहा है। देखो देखे आपका फोन क्या उस जगह को घेर रहा है, बिल्कुल घेर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ठोस जो होते हैं वो आकार को घेरते हैं, वो स्थान घेरते हैं, स्थान घेरते हैं। और इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोगों को बात करना है। अभी इसी के ही बराबर में अगर हम कंपेयर करते हैं द्रव का, देखो मैं द्रव्य नहीं बोल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ द्रव की। द्रव का मतलब क्या हो गया, द्रव का मतलब हो गया लिक्विड की, है ना, चाहे कि पानी की बात कर लेती हूँ, ठीक है। पानी की अगर हम बात करते हैं तो अब पहले मैं यहाँ पे द्रव की बात करती हूँ, क्योंकि हम साथ के साथ में कंपेयर करते हुए जाएंगे कि अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव के आकार घेरती है क्या, स्थान घेरती है, नहीं, क्योंकि आपने तो उसको पात्र के अंदर रखा है। और कौन से पात्र में रखोगे, क्या गैस वाले कोई पात्र में रखोगे, नहीं, आप रखोगे उसको सॉलिड के अंदर, आप रखोगे उसको मजबूत किसी ठोस पात्र के अंदर, है ना। तो आप बोल सकते हो कि आकार बदलता है, द्रव जो होता है हमारा, हम बोल सकते हैं कि आकार बदलता है,
आपसे बहुत जगह पर पूछा जाता है इसके बारे में, और हमको खास ध्यान रखना है इन सारी चीजों का कि जो हमारा द्रव होता है वो क्या करता है, आकार बदलता है, पर हमारा ठोस जो है वो आकार नहीं बदलता। यहीं पे अगर मैं गैस की बात कर लूं, तो गैस क्या आकार बदलती है? बिल्कुल, गैस का कोई आकार ही नहीं होता है। गैस को जहां चाहे वहां रख सकते हैं, आप उसे परफ्यूम की बॉटल में रख दो, चाहे आप किसी बर्तन बड़े ग्लास में रख दो, आप तब तक रख सकते हो, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और आप देखिए कि अगर हम द्रव की बात करें तो क्या द्रव के अणु दूर दूर होते हैं? हाँ, द्रव के अणु दूर दूर तो होते हैं, थोड़े थोड़े दूर दूर तो होते हैं। द्रव के कण की बात करूं तो दूर दूर तो होते हैं, पर ठोस से तो ज्यादा दूर होते हैं, पर गैस से कम दूर होते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा कण किसके दूर होते हैं? सबसे ज्यादा कण दूर होते हैं गैस के। चलो कुछ डायग्राम देख लेते हैं, है ना, शायद हमें उससे समझ में आ जाए कि मैम क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये समझाने की, इस डायग्राम में ये समझाने की कोशिश की है, ये देखो हॉट एयर बलून सभी को बहुत पसंद होगा, मुझे तो बहुत पसंद है ना। तो इस हॉट एयर बलून के अंदर इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर भरी हुई है गैस, और इस गैस को जिस पात्र में रख दिया वो उसी के अनुसार आकार बदल लेता है। सिंपल, तो हम कह सकते हैं कि गैस के अणु किसी भी पात्र के अनुसार आकार को बदल लेते हैं। जबकि आप यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, ये कोक की जो बॉटल है, ये कभी भी अपना आकार नहीं बदलेगी, लेकिन इसने यहाँ पे स्थान को घेरा हुआ है। आप समझ रहे हैं, इस घंटी ने यहाँ पे अपने स्थान को घेरा हुआ है। इस बलून के अंदर जो गैस भरी हुई है वो उस बलून के अंदर है, मतलब कि इसके कण क्या है, कंपैरेटिवली दूर दूर। और नहीं आपको समझ में आए तो आप अगरबत्ती को जलाइए, पूजा घर से लेकर आइए और उसको जलाइए, और अगरबत्ती के धुआं को देखिए। अगरबत्ती तो हम सभी के घर में मौजूद होगी, उसके अगर आप धुआं को देखोगे तो वो क्या करती है, वो बहुत ज्यादा, जितना उसको जगह मिलती है उतना ही वो फैल जाती है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, आज की क्लास में हमने देखा है ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्हीं सब चीजों के ऊपर टिकी हुई है हमारी अगली क्लास, जो कि होगी हमारी, हमारे आगे ठोस द्रव के काफी सारी चीजों के बारे में, उनके और हमें उन्हें डीपली पढ़ना होगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। इसलिए हमने ये आज की क्लास को सिर्फ इसी मुद्दे पर रखा है कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होती है और गैस क्या होती है। आपको मेरे पीछे के डायग्राम से अब आप खुद मुझे बता सकते हैं कि आखिर में कौन कौन सी चीजें क्या है। मिल्क की अगर बात करते हैं तो वो क्या है, वो एक प्रकार का द्रव है। अगर हम पेयर की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एक प्रकार का फल है जो कि ठोस है। अगर हम कोक की बात कर रहे हैं, अगर इसकी बॉटल की बात करते हैं तो ये ठोस है, और इसके अंदर अगर जो द्रव है उसकी बात करते हैं, इसके अंदर जो लिक्विड है या फिर जो कोक है उसकी बात करते हैं तो वो लिक्विड है, ठीक है। इसके अलावा बुक की बात करते हैं तो ठोस है, इसके अलावा घंटी की बात करते हैं तो ठोस है, और इसके अलावा हॉट एयर बलून की बात करते हैं तो ये जो पदार्थ है हॉट एयर बलून जो है वो तो है आपका ठोस, पर उसके अंदर जो भरी हुई है वो है आपकी गैस, है ना। और इसी के साथ ही बलून भी ऐसा जगह, पेन के बारे में तो हमने बहुत सारा पढ़ा है। तो क्लास कैसी लगी है आपको, और आगे वाली, अब मिलेंगे हम लोग हमारी आगे वाली क्लास में। थैंक यू।